दोस्तों, अगर आपने स्टार प्लस का पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया देखा होगा तो आपको परिधि जिगर मोदी का किरदार तो जरूर याद होगा, जिसे निभाने वाली अभिनेत्री लवलीन कौर ने इतनी शिद्दत से निभाया कि वो इस दमदार किरदार के साथ काफी फेमस हो गई थी और दर्शकों की चहेती भी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आप लवलीन कौर शासन के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके पति और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहें और साथ ही अपने फेवरेट परिधि जिगर मोदी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में परिधि जिगर मोदी का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री लवलीन कौर का जन्म 16 जुलाई 1990 को जम्मू कश्मीर में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में आए सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं से की थी, जिसमें इन्होंने जैनी का किरदार निभाया था। इस सीरियल के बाद इन्हें इमेजिन टीवी के रोमांटिक शो कितनी मोहब्बत है 2 में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया। भले ही इस सीरियल में इनका किरदार सपोर्टिंग था, पर इस सपोर्टिंग किरदार के जरिए ही ये दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब हो गई थी, जिसके चलते इन्हें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें सावधान इंडिया, अनामिका, क्या हुआ तेरा वादा, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है और साथ निभाना साथिया जैसे सीरियल शामिल हैं। इन सभी सीरियल्स में पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया था, क्योंकि इन सीरियलों को करने के बाद इनकी झोली में किसी और सीरियल का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के पति और बच्चों के बारे में तो इनके पति का नाम कौशिक कृष्णमूर्ति है, जो कि पेशे से एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, जिनका बेंगलुरु में काफी जाना माना नाम है। अगर बात करें इन दोनों की लव लाइफ के बारे में तो इनकी मुलाकात किसी पार्टी में हुई थी, जहां कौशिक कृष्णमूर्ति अपने बिजनेस के सिलसिले से मुंबई गए थे। तभी उनकी नजर इन पर पड़ी तो वो उनकी खूबसूरती के तो मानो कायल ही हो गए। वहीं लवलीन को भी इनका नेचर काफी पसंद आया, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने का डिसीजन ले लिया और देर न करते हुए साल 2019 में शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के एक साल बाद यानी कि 22 फरवरी 2020 को इन्हें एक बेटे का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, जिनका नाम इन्होंने रॉयस रखा है। रॉयस के आने से इनके जीवन में खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा, तभी तो ये आए दिन अपने बेटे की क्यूट क्यूट फोटो शेयर करती हैं, जिसे देख इनके फैंस भी काफी एक्साइटेड होते हैं। तो दोस्तों, आपको लवलीन कौर शासन के पति और बेटे के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री की चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।